नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। पीएम मोदी आज आसियान भारत सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कोरोना कारोबार समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर आज तीसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। सभी आरोपों की दलीलें हुई पूरी, एनसीबी रखेगी पक्ष। WHO ने कहा भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के संबंध में स्पष्टीकरण इस सप्ताह के अंत तक मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस और जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। एनसीबी दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े ने वसूली के आरोपों को किया खारिज। आर्यन ड्रग्स केस में गवाह KP कोसाफी गिरफ्तार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में TLP कार्यकर्ताओं से हुई झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत, 250 से अधिक घायल। ओमान ने दी कोवैक्सीन की खुराक को मंजूरी, बिना आइसोलेशन की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। शेयर बाजार की आज गिरावट के साथ शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी में दिखी कमजोरी। सरफराज खान समेत मुंबई के 4 खिलाड़ियों को हुआ कोरोना, 4 नवंबर से शुरू होना है टूर्नामेंट। रजनीकांत की फिल्म अनाथे का ट्रेलर आया सामने, एक्शन हीरो अवतार में फिर छाया थलाइवा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।